आज बात करते हैं एक ऐसे फर्स्ट क्लास इंडियन क्रिकेटर की जिन्होंने इंदौर का नाम न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में रोशन किया है। एक धुआंधार टॉप ऑर्डर बैट्समैन और विकेट कीपर जिन्होंने अपना डेब्यू मध्य प्रदेश के लिए 2001 में किया, ये और कोई नहीं बल्कि इंदौर के नमन ओझा है। IPL 9 में विकेट के पीछे अपनी बाजीगरी दिखाने के मामले में इस खिलाड़ी ने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है और खुद को पहले पायदान पर खड़ा कर दिया है। विकेट कीपिंग की दौड़ में इस खिलाड़ी ने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। IPL 9 की विनिंग टीम सनराइजर्स हैदराबाद की जीत में नमन का बड़ा योगदान रहा। तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए नमन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। 17 मैचों में नमन ने 18 विकेट लपके और एक भी स्टंपिंग नहीं, सारे शिकार नमन ने कैच से ही किए। IPL 9 का खिताब जीतने के बाद नमन पहली बार इंदौर अपने घर आए और दबंग न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और द टैलेंट शो में आप सभी का स्वागत है। द टैलेंट शो में आज मैं आपको मिलाने वाली हूं एक ऐसी शख्सियत से जो इंदौर से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्रिकेट की पिच पर वो स्टंप्स के आगे रहे या स्टंप्स के पीछे, दोनों ही जगह अपनी रिमार्केबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। और हाल ही में IPL 2016 की विनिंग टीम द सनराइजर्स हैदराबाद से भी जुड़े हुए। जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग यू नन अदर देन नमन ओझा। नमन, IPL की जीत के बाद इट्स योर फर्स्ट विजिट टू इंदौर, सबसे पहले तो आपको हार्टी कंग्रेचुलेशंस इंदौर की तरफ से, दबंग दुनिया की तरफ से और मेरी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो गाइस, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर योर गुड विशेस। एंड या, आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट विजिट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग आफ्टर विनिंग IPL। विनिंग के बाद आप एंजॉय करें, लेकिन नमन, IPL का अगर हम पूरा सीजन देखें तो आपकी बैटिंग से ज्यादा आपकी विकेट कीपिंग को वहां पर रिस्पांस मिला है, लाइक आप विकेट कीपिंग पे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, कोई वजह इसके पीछे? हालांकि मैं बैटिंग में बहुत कंसिस्टेंट रहता हूं, लेकिन चूंकि मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूं और वी हैव मोर प्योर बैट्समैन इन आवर टीम हु प्लेड द टॉप ऑफ द ऑर्डर, सो माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू keep wickets for the team, take brilliant catches, and whatever I get, some what means in 18 or 19 overs, means whatever I get, I'll try to finish the game for my team, or whatever 19 balls I get, I just get maximum runs out of that. So that's my रिमार्केबल फील्डिंग भी रही आपकी, आपने विकेट के पीछे भी रह के आई गेस शायद जैम्पा रविचंद्रन अश्विन सम रिमार्केबल कैचेस यू हैव टेकन, तो ऐसे कैचेस के लिए और फील्ड पे यू नो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के लिए फिटनेस की कितनी जरूरत पड़ती है? आई थिंक फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीबॉडीज लाइफ, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेटर, और इट्स आई थिंक इन नॉर्मल लाइफ में भी फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो मुझे अपनी फिटनेस पे मतलब अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू यू नो कीप फॉर लाइक 20 ओवर्स एंड देन अगेन गो एंड बैट एंड विन द मैच। सो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फिटनेस पे ज़्यादा वर्क करूँ। ऑफ सीजन अभी आ रहा है, तो आई विल ट्राई एंड मीन्स मैं यही मतलब यही कोशिश करूँगा अगले 2 महीने में कि जो मेरा फिटनेस का स्टैंडर्ड है वो एक लेवल और ऊपर आए। अभी क्या लगता है कि हमारी इंडियन टीम में हाल फिलहाल जो प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा फिटेस्ट कौन लगता है उसमें? आई थिंक फिटेस्ट इज विराट। आई थिंक मीन्स ही हैज डन ट्रेमेंडसली वेल फॉर इंडिया, फॉर एवरी इंडियन फैन आल्सो, एंड हिज फिटनेस इज आई थिंक ट्रेमेंडस। ही जस्ट वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी फाउंड ऑफ हिज बॉडी एंड he don't eat means any oil, anything means he just keep on grilled stuff or salads or something, yeah. So that's why his fitness is superb. His fitness is superb. लेकिन नमन, अगर हम आपके करियर को देखें तो इंदौर में जिस तरह से मोर देन अ डिकेड आप कंसिस्टेंट रहे, लाइक वो रणजी हो या फिर यू नो इंदौर को रिप्रेजेंट करना हो, पूरा भार आप अपने कंधों पर लेकर चले, बहुत लीड किया आपने उस समय टीम को, तो कब डिसाइड किया कि क्रिकेट की तरफ रुझान कब बढ़ने लगा, कैसे सोचा कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? क्रिकेट मेरा बचपन से ही आई थिंक दिस माय फर्स्ट लव, और इनफैक्ट नाउ आल्सो इट्स माय फर्स्ट लव, या एंड आफ्टर दैट इज मींस कब से खेलना शुरू किया, कैसे? आई थिंक आई वाज 4 और 5 व्हेन आई वाज इन देवास,
So in front of Deva, in front of my nanny's house, there is a ground. So I used to go there at 6 o'clock. Then I went to Ratlam. Still I went 6 o'clock at the ground. So and after school also I go to ground. So and then keep and that love has, you know, that love has taken me to here. I think towards my game, towards, you know, towards consist, towards improvement of my skills, improvement of my fitness. I think that's the that's yeah that inner love has taken me till now here. नमन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे को अपना टर्निंग पॉइंट बताया। नमन ने अपने आने वाले क्रिकेट करियर को लेकर भी खुलकर बातचीत की और आईपीएल फॉर्मेट को भी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बताया। अगर मुझे जहां तक मैंने अभी आने से पहले थोड़ा पढ़ा और मैंने लोगों से भी पूछा तो मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया जो आपका दौरा था वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट, जो अब आपका टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आप मानते हैं उसको टर्निंग पॉइंट, ऐसा लोग तो मानते हैं। हाँ, वही टर्निंग पॉइंट था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एक डबल सेंचुरी लगाई थी मैंने ऑजीज के अगेंस्ट, ऑजीज ए टीम के अगेंस्ट। आई थिंक जो अभी सब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे उन लोगों के अगेंस्ट और आई थिंक वो मतलब आई थिंक टर्निंग पॉइंट था, मतलब मेरे करियर के लिए और एवरीथिंग। तो अभी आईपीएल मैच में अगर हम नमन देखें तो एक टीम होती है वो इंडिया है मारो, तो इंडिया अपनी सब स्कैटर हो जाती है अलग अलग स्टेट्स के लिए, मतलब वो लोग खेलते हैं तो क्या थोड़ा मुश्किल नहीं होता है कि आपके ओपोनेंट जो खेल रहा है वो कहीं ना कहीं एक टीम फीलिंग आती है कि आपके टीम का ही प्लेयर है, आपको उसको आउट करना है या फिर आपको उसको रन बनाने से रोकना है, तो कितना डिफिकल्ट होता है इस फीलिंग को मैनेज करना? आफ्टर ऑल वो आपकी इंडिया की एक टीम के प्लेयर है और अभी आपके ओपोनेंट बने हुए हैं ऑन द पिच। आई थिंक अच्छा चैलेंजिंग रहता है। आई थिंक अगर जो बॉलर मुझे आउट करता है नेट में उसके या मैं उसको अच्छा खेलता हूँ नेट में, तो ये हम दोनों के लिए चैलेंज है कि हम अच्छा करें। आई थिंक दैट्स लाइक एन एग्जाम मीन्स आपका वहाँ पर टेस्ट है, तो इफ़ यू डू वेल अगेंस्ट देम यू आर मोर कॉन्फिडेंट। सो या अभी आपके करियर को अगर हम देखें तो मतलब ज्यादातर आप अभी टेस्ट मैचेस की तरफ ही रुक करें, टेस्ट मैचेस आपने खेले, तो अभी T20 और वन डेज के लिए क्या कोई प्लान है? हाँ प्लान है। आई थिंक वन डे एंड T20 में, हालांकि मैं वन डे और T20 ज्यादा अच्छा खेलता हूँ क्योंकि आई लव बिकॉज माय गेम सूट्स दैट फॉर्मेट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आई एम मोर फोकस्ड ऑन टेस्ट मैचेस बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग 17 टेस्ट मैचेस फ्रॉम जुलाई, सो आई एम रियली रियली फोकसिंग ऑन दैट because you know you never know who gets injured or whenever I get any chance for the Indian team, and I'm very very hopeful and fingers across that I'll play. Yes. अभी आने वाले समय में अगर हम देखें तो एक छोटे से ऑफ सीजन के बाद कई सारे कंट्रीज के भारत में दौरे रहेंगे, कई सारे न्यूजीलैंड और श्रीलंका शायद आने वाली है अभी, तो उसके लिए कैसी प्रिपरेशन है, कैसा आपकी ट्रेनिंग रहेगी पूरे ऑफ सीजन? श्रीलंका आ रही है शायद, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया आ रही है 4 टेस्ट मैच खेलने उसके बाद में, और आई थिंक या टोटल मिला के 17 टेस्ट मैचेस हैं, तो काफ़ी टफ रहेगा सब प्लेयर्स की बॉडी पे, तो यही कोशिश रहेगी कि फिटनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे और जो स्किल वर्क है, आई थिंक जो भी मेरा स्किल वर्क है कीपिंग में बैटिंग में, उसको और ज़्यादा बेहतर करके और ज़्यादा रिलैक्स होकर मैं इन टेस्ट मैचेस के लिए आऊँ। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो भी पूरे आईपीएल सीजन के दौरान यू नो शिखर धवन के साथ या किसी और हैदराबाद के प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा सीन हुआ हो जिसको आप मतलब शेयर करना चाहें, मतलब ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता है? आई थिंक अच्छा माहौल रहता है ड्रेसिंग रूम में, काफ़ी जो हमारा मैनेजमेंट है, टॉम लक्ष्मण देवी यूवी, आई थिंक दे आर ऑल रिलैक्स्ड एंड वी हैव वेरी वेरी गुड एटमोसफियर इन आवर ड्रेसिंग रूम so and I think it is required to perform well and for the team success and for a player success, I think dressing room atmosphere is the most important thing. So I think and touchwood we have the best atmosphere in our team dressing room. अगर हम देखें तो पिछले काफी समय से एमपी से कोई भी प्लेयर यू नो इंडियन क्रिकेट टीम में उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है, ब्राची से हम देखें, धोनी है, पंजाब से युवराज है, ऐसे एमपी से कोई प्लेयर वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहा है, तो क्या आप इस कोशिश में रहेंगे कि आप इस कंसिस्टेंसी को बनाने में इसकी कोशिश करें? हाँ, मेरी कोशिश तो यही है कि जो मतलब अब क्योंकि मेरे को चांस मिला था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसके बारे में ट्रैवल किया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे चांस मिला था अभी,
तो जो मेरा जॉब था विकेट कीपिंग, आई थिंक दैट आई हैव डन रियली वेल एंड आई हैव गॉट वेरी गुड पार्टनरशिप विद चेतेश्वर एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन टीम्स विनिंग इन दैट लास्ट टेस्ट गेम टेस्ट मैच एंड बाय दैट वी वन द सीरीज आई थिंक एंड रियली मैं अपना आई एम वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट चांस दैट आई विल डू वेल एंड बी कंसिस्टेंट फॉर द इंडियन टीम एंड फिंगर्स आर क्रॉस्ड. अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी कुछ दिन पहले हम क्रिकेट से जुड़ा कुछ सर्वे कर रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे कि हु इज द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिसको आप पसंद करना चाहोगे, जिसको आप पसंद करते हो. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का आंसर था नमन ओझा. तो आपने फीमेल जितनी भी फैंस है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू ऑल फॉर लविंग मी, फॉर गिविंग मी सच ग्रेट लव. And I'm hopeful that I'll get a chance and make you guys very very proud. Thanks. Keep supporting me. Thanks. तो ये थे मेरे साथ यंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर नमन ओझा. फिलहाल के लिए मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप मसी के साथ दबंग न्यूज़ अदर्ड.